वेलकम टू माय फूड लाइब्रेरी चैनल गाइस, आज हम बनाते हैं चिकन हलीम, जिसे कुछ लोग जो है वो दलीम भी कहते हैं। इसमें जो है देखिए मैंने क्या लिया है, ये जो है वो खिचड़े की गेहूं है, और इसमें आपको दो तरह के जो है ग्रेन्स नज़र आ रहे होंगे। ये जो है वो गेहूं है हलीम की, और ये जो है वो बार्ली है वाइट वाली, आपको राशन वाले की दुकान पर मिल जाएंगे ये, आसानी से आप उनको बोल करके ले सकते हैं। जो वाइट वाला जो बार्ली है ये मैंने 250 ग्राम लिया है, और ये जो गेहूं है इसको मैंने 300 ग्राम लिया है, ये इसकी क्वांटिटी है। और यहाँ पर जो है वो दालें हैं कुछ, जिसमें चना दाल है, चना दाल, उड़द की दाल, मसूर दाल और मूंग की दाल, और इसके अंदर थोड़ा सा चावल है। मैंने 1/4 कप के जो है वो रेशो से लिया है। अगर आप ग्राम में मेजर की बात करेंगे तो ये 50 ग्राम सारे दालें हैं, चने की जो दाल है वो 100 ग्राम है। अच्छा, हलीम को जो है बनाने के लिए या खिचड़ा को बनाने के लिए आपको एक दिन पहले ही जो है तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि इन्हें सोख होना होता है। मैंने ओवरनाइट जो है सबको सोख कर रखा था। और यहाँ पर जो है ये मैंने चिकन लिया है, ये बोनलेस चिकन है, जिसकी क्वांटिटी जो है 700 ग्राम है। थोड़ा सा ये बोन वाला है ये भी मैं ऐड कर दूंगी, थोड़ा हड्डियों का उसके अंदर जूस आ जाएगा, बाद में मैं उसको जो है बोन से अलग कर लूँगी। अच्छा, हलीम जो ओरिजिनली है वो अरेबिक डिश है, बट मुगल पीरियड के टाइम पे ये ट्रेवल करके ईरान से अफगानिस्तान और फिर अफगानिस्तान से ये हैदराबाद आया, और अभी ये वहाँ की स्पेशलिटीज बन गई। तो हम इसे कुकर में जो है वो डालते हैं पहले उबलने के लिए, इनको गलना बहुत ज़रूरी है। ये कुकर में हमने जो है वो जौ और गेहूं को मैंने रख दिया है, और ये सारे दालें मैं एक दूसरे कुकर में डालती हूँ, दोनों को हम साथ में बॉईल करेंगे। अच्छा जी, ये देखिए मैंने एक कुकर में जो है वो गेहूं और जौ को मैंने डाल दिया है, उसके अंदर मैं डालती हूँ 1 टेबलस्पून सॉल्ट, और ये मैं हरी मिर्ची जो है 15 से 18 हरी मिर्ची को मैंने स्लिट कर लिया, इसको भी मैं डालती हूँ, क्योंकि ये बहुत फीके होते हैं और जब सारी चीज़ें एक साथ में आएंगी तो वो मिर्ची की कमी आपको नज़र आएगी। तो ज़्यादा लाल मिर्च तो हम नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो डालना तो है हमें गोश्त में, लेकिन हरी मिर्च का भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पे हम डाल रहे हैं थोड़ी सी हल्दी, और इसमें भी डाल देते हैं थोड़ी सी हल्दी, और इसमें हम डालते हैं 1/2 टीस्पून नमक। अब दोनों को हम जो है वो रखते हैं उबलने के लिए। अच्छा, इसमें एक उबाल आ चुके हैं, अब मैं जो है वो विसल लगा देती हूँ, इसको मैं 20 मिनट पकने दूंगी। दोनों को जो है वो मैंने बंद कर दिया है, मिलते हैं हम 20 मिनट के बाद में। अच्छा, 25 मिनट हो चुके हैं, और अभी मैं जो है ये छोटे वाले कुकर में जो मैंने दाल चढ़ाया था उसको मैं पहले चेक कर लेती हूँ, और इधर जो गेहूँ है वो उसको होने में थोड़ा टाइम लगेगा। बीच में मैंने एक बार उसको खोला था, पानी उसके अंदर बहुत कम हो गया था, मैंने पानी डाला उसके अंदर एक जग, और वापस से चला करके मैंने उसको पकने के लिए रख दिया है। गेहूं बहुत जल्दी नीचे लगने लग जाता है, इसका ख्याल रखिएगा। ये देखिए ये गल चुकी है दाल, जो है वो जल्दी गल जाएगी गेहूं से। तो अभी मैं इसको क्या करती हूँ, ये पोटैटो मैशर है मेरे पास में, ये पोटैटो मैशर है, इससे मैं ज़रा ज़रा सा दबा देती हूँ, ताकि जो बाकी दालें तो पता नहीं चल रही, लेकिन जो चने की दाल है वो बिल्कुल खड़ी खड़ी दिख रही है। वैसे भी चने की दाल मैशी नहीं होती कभी भी, उसको आपको मैश करना ही पड़ता है। दाल गोश बना रहे हैं तो भी आपको मैश करना पड़ेगा, गल तो जाती है लेकिन वो अपना शेप नहीं छोड़ती है, वो होल्ड करके ही रखती है। ये देखिए हमने इसको मैश कर लिया है, दालों को एकजा हो चुकी है ये सारी दालें। ट्रेडिशनली जो है हलीम को घोटना बहुत ज़्यादा पड़ता है, और इतना ज़्यादा उसको घोटते हैं कि उसके अंदर एक लेस आ जाती है, और उसमें गेहूं की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होती है बनिस्बत खिचड़े के, और कोई भी चीज़ आपको उसमें नज़र नहीं आएगी। गोश्त भी है अगर तो उसको भी रेशा करके डालते हैं। मैं चिकन से बना रही हूँ, आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे तो मटन से भी बना सकते हैं। अभी हम गेहूं को भी चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है इसकी, गला की नहीं गला, ये चेक करते हैं हम इसको, ये गल तो गया है ये। अब हम इसको भी उतार लेते हैं और इसको भी हम मैश करते हैं। अच्छा, ये देखिए ये भी पूरी तरीके से गल चुकी है। अब आपके पास में दो ऑप्शन है, इसको ठंडा करें और मिक्सर जार में डाल करके इसको ग्राइंड कर लें,
एकदम पेस्ट भी मत कर दीजिएगा और ना तो ऐसा खड़ा रहे, बहुत ही मामूली सा उसके अंदर चंक्स रहना चाहिए और एक लेस आ जाना चाहिए। या तो फिर आपके पास में ऐसा स्टिक ब्लेंडर है जिससे मैं यूज़ करने जा रही हूँ, तो आप इससे भी आप कर सकते हैं। मैं हमेशा यही यूज़ करती हूँ, इससे बहुत आसानी है। लेकिन ये हर किसी के पास ज़रूरी नहीं कि हो, जिसके पास है वो यूज़ कर ले, जिनके पास नहीं है वो अपना ब्लेंडर में डाल करके मिक्सर में कर लें उसको। मैं इसको इस तरीके से मैश कर लेती हूँ। ये देखिए ऑलमोस्ट ये रेडी हो चुका है। आप इसको ठंडा करके मिक्सर जार में ग्राइंड कर लें, या तो फिर ट्रेडिशनली इसको बहुत टाइम तक आपको घोटा लगाना पड़ेगा, बट हम लेडीज़ लोगों की बस की बात इसको बहुत टाइम तक घोटा लगाने की नहीं है। ये शॉर्टकट जो है वो यूज़ कर रहे हैं। हैदराबाद में जहाँ हलीम बनाई जाती है, वहाँ पर हलीम को बनाने से ज़्यादा उसको घोटा लगाने में टाइम जाता है। चलिए ये डन है। ये देखिए लेस आ रहा है। ये गेहूँ और जौ की वजह से है। अब ये डन हो चुका है। अब मैं दाल के साथ में इसको मिक्स करके रख देती हूँ और मैं चिकन की तरफ आ जा रही हूँ। अच्छा, चिकन बनाने के लिए ये मैंने कढ़ाई इधर रख दिया। अब मैं इसके अंदर डालती हूँ 1/2 कप से थोड़ा ज़्यादा, 3-4 कप जितना ऑयल। ऑयल में हम डालते हैं अदरक लहसुन की पेस्ट। ये 1 टेबल स्पून अदरक और 1 टेबल स्पून भर करके अदरक है, क्योंकि गोश्त की क्वांटिटी भी तो ज़्यादा है ना। ऑलरेडी मैंने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे इंग्रेडिएंट्स के मेजरमेंट जो है वो दे रखे हैं, आप वहाँ पर जा करके चेक कर लीजिएगा। पहले मैं चिकन जो है वो बोन वाले डाल रही हूँ। थोड़ा सा फ्राई करते हैं इसको। एक वाली भी चिकन हम डाल देते हैं। चिकन जो है वो आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग लें। अगर आप थोड़ा सा ऊपर नीचे करना चाहते हैं, कम या ज़्यादा, तो आप बिल्कुल कर लें। चिकन पकने के बाद में वो थोड़ी सी कम हो जाती है, अभी ज़्यादा लग रही है। चिकन के बड़े बड़े पीसेस जो है वो बोनलेस मैंने इसमें रखा है, क्योंकि मुझे अभी इसको रेशा भी तो करना है। पहले चिकन को भून लेंगे, उसके बाद में हम सारे स्पाइसेस इसके अंदर डालेंगे। चिकन का अपना पानी खुश्क होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, चिकन जो है वो भून चुकी है। अब मैं इसके अंदर जो है वो मसाले डालती हूँ। मैं 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर डाल रही हूँ और 2 टेबल स्पून भर करके लाल मिर्ची पाउडर। बहुत ही बेसिक मसाले हैं, रेसिपी बहुत आसान है, बट थोड़ा सा बनाना जो है वो टाइम ज़्यादा जाता है इसके अंदर, थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कई बार आपको जो है इसको प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इसलिए थोड़ा मिक्स करते हैं। और ये मैं दही डाल रही हूँ इसके अंदर, बहुत ज़रा सी, 1/4 कप जितनी दही है। अगर आप गर्मी में बना रहे हैं चिकन हलीम, तो दही को आप ना डालें, क्योंकि इसके अंदर एक हल्की सी खटास होती है, वो थोड़ा ख़राब होने के चांसेस होते हैं गर्मी में। मैं जो है वो ठंड में बना रही हूँ, तो मैंने इसलिए इसके अंदर डाल दिया है। और ये मेरे पास में ब्राउन आनियन है 1/2 कप, मैं ये डाल दे रही हूँ। अगर आपके पास ब्राउन आनियन नहीं है, तो आप 2 प्याज ले लें बड़ी, और उसको स्लाइस करके पहले प्याज को ब्राउन करें, उसके बाद अदरक लहसुन और चिकन को डाल करके जो है वो भूनें। मिक्स करते हैं और हम इसको ढक देते हैं पकने के लिए। सॉल्ट भी डाल देते हैं, 1 टेबल स्पून भर करके हम सॉल्ट इसके अंदर डाल रहे हैं। थोड़ा मसाले को भून जाने देते हैं, उसके बाद फिर हम इसको गलने के लिए छोड़ देते हैं। अच्छा, ये ज़ीरा रह गया था डालने के लिए, ये 1/2 टीस्पून ज़ीरा भी मैंने डाल दिया। मसाले भून चुके हैं, तेल ऊपर आ गया है, और अब मैं इसके अंदर डालती हूँ पानी। ये हमने पानी डाल दिया इसके अंदर, और हम इसको ढक देते हैं गलने के लिए। 25 ये एकदम आराम से छुरी अंदर जा रही है, गल चुकी है ये। अब मैं क्या करूँगी कि इसके अंदर सारे चिकन के ये बोनलेस और हड्डी वाले सब मैं इसके अंदर निकाल लेती हूँ। फ्लेम को हम पहले ऑफ कर देते हैं। ये देखिए, हमने पूरा इसके अंदर निकाल लिया। अब मैं इसको साइड पे रखती हूँ ठंडा होने के लिए। जब भी थोड़ा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद में आगे क्या करना है मैं वो आपको बताती हूँ। यार, ये जो ग्रेवी है, ये पूरी हमारे जो दाल हमारी बॉयल करके रखी हुई है और गेहूँ, ये उसके अंदर मैं डालूँगी, लेकिन अभी थोड़ी देर के बाद में।
अच्छा, चिकन जो है वो ठंडी हो चुकी थी, तो मैंने जो ये हड्डी वाले जो चिकन मैंने अंदर ऐड किए थे उसको जो है मैंने बोन से अलग कर लिया, और यहाँ पर मैंने देखिए हड्डियाँ रख दिया, और अब मैं इसको जो है वो इसके रेशे को खोलती हूँ। अच्छा, ये देखिए चॉपिंग बोर्ड के ऊपर ये मैंने गोश्त रख लिया, और ये मेरे पास में मीट हैमर स्टिक है। आपके पास में अगर ये नहीं होगा तो आप जो है रोलिंग पिन यानी बेलन से जिसे रोटियां बनाते हैं उससे कर लें, या फिर आपके पास में बट्टा हो जिससे जो मसाला पीसने वाला जो स्टील बट्टा होता है उससे भी कर लें। मेरे पास में ये है तो इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ। अब मैं इसको ऐसे करके रेशा उसका खोल दूँगी। प्लेटफॉर्म को आप साफ कर लें डिटर्जेंट से, अच्छे से कपड़े से पोंछ लें, और आप प्लेटफॉर्म के ऊपर भी रख करके ये काम कर सकते हैं। मैं जो है वो चॉपिंग बोर्ड के ऊपर रख के कर रही हूँ, आप अपनी सहूलत के हिसाब से अपना काम करें। ये बेलन से भी बहुत ही इजीली जो है वो हैंडल हो जाएगा, लेकिन मेरे पास है तो मैं यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए पूरा चिकन जो है वो हमने रेशा कर लिया। चिकन का जो रेशा है ये टूटना ज़रूरी है। ये देखिए हमने ग्रेवी के अंदर डाल दिया। हाथ पहले से साफ रखें, अपना धो लें, उसके बाद ये काम करें। ये देखिए अब मैं इसके अंदर ये पूरी चिकन जो है वो डाल रही हूँ। ये देखिए सारा हमने इसके अंदर मिक्स कर दिया है, और अभी मुझे थोड़ा और पानी की ज़रूरत लग रही है क्योंकि अभी हमें इसको घोटा लगाना है 10 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा हम नहीं लगा सकते हैं तो 10 मिनट तो एटलीस्ट लगाना ही होगा आपको। हैदराबाद में इसको रमज़ान के दिनों में ज़्यादा बनाया जाता है। इसको कंटिन्यू चलाएं, ये नीचे से लगना शुरू हो जाएगा इसलिए इसको कंटिन्यू जो है वो आप चलाते रहें, हाथ रोके नहीं अपना। कंटिन्यू मैं इसको जो है चला रही हूँ 10 मिनट से। अभी मैं इसके अंदर डालती हूँ गरम मसाला। ये देखिए मैं गरम मसाला इसके अंदर डाल देती हूँ 1.5 टी स्पून बस, क्योंकि हम इसको जब सर्व करेंगे तो हम चाट मसाले के साथ में हम इसको सर्व करेंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा गरम मसाला जो है वो ना डालें। स्टार्ट। अच्छा जी, ये 25 मिनट से कंटिन्यू जो है वो मैंने इसको घोटा लगाया है, और अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। अब ये कंप्लीट हो चुके हैं, फ्लेम को बंद करते हैं हम, और अब हम इसको डिश आउट करते हैं। देखिए अब हम इसको सर्व करेंगे, इसके ऊपर हम थोड़ा घी डालेंगे। ये तैयार है हम खाने के लिए, और इसके ऊपर डालते हैं चाट मसाला, स्प्रिंकल करेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही आप डालें। लेमन जूस डाल दें, और अभी हम इसके ऊपर डालेंगे ये फ्राइड आनियन। ये है मेरे पास में थोड़ी सी जूलियन में कटी हुई अदरक, और हम इसको गार्निश करते हैं एक लेमन से। तो लीजिए बनकर तैयार है हमारा चिकन हलीम।